कहानी शुरू होती है साल 2047 में, जब यूएस एयरस्पेस कमांड को एक रेडियो मैसेज रिसीव होता है नेपट्यून के ऑर्बिट से। लुइस एंड क्लार्क नाम के रेस्क्यू शिप को इस सिग्नल के सोर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा जाता है। इस रेस्क्यू शिप के क्रू मेंबर्स होते हैं शिप के कैप्टन मिलर, सेकेंड इन कमांड लेफ्टिनेंट स्टार्क, पायलट स्मिथ, मेडिकल टेक्नीशियन पीटर्स, इंजीनियर जस्टिन, डॉक्टर डीजे, रेस्क्यू टेक्नीशियन कूपर और डॉक्टर वीर। इस सफर पर निकलने से पहले शिप का सारा क्रू क्रायोस्लीप में चला जाता है और शिप करीबन 56 दिनों बाद नेपट्यून के पास पहुंच जाता है। शिप का सारा क्रू क्रायोस्लीप में होता है, लेकिन पता नहीं कैसे डॉक्टर वीर अपने क्रायोस्लीप से किसी के उनके नाम को बुलाने के कारण उठ जाते हैं और पॉड से बाहर निकल आते हैं। उन्हें फिर आवाज़ आती है, मैं बहुत अकेली हूँ। वीर आवाज़ का पीछा करते हुए शिप के कॉकपिट एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ड्राइविंग सीट पर एक लड़की बैठी हुई दिखती है जो कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वीर जैसे ही उस लड़की को अपनी तरफ पलटते हैं, वो उनकी वाइफ क्लेयर होती है। तभी अचानक उनकी वाइफ क्लेयर उनके कंधे पर हाथ रखती है। वीर जैसे पीछे मुड़ते हैं, क्लेयर की आंखें ही नहीं होती हैं और वो कहती है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ये देख वीर बुरी तरह से चीख पड़ते हैं, लेकिन ये एक सपना होता है और डॉक्टर वीर अभी भी अपने क्रायोपॉड में ही होते हैं और घबराते हुए बाहर निकलते हैं। बाकी के क्रू मेंबर्स उन्हें संभालते हुए बताते हैं कि क्रायोस्लीप से उठने पर अक्सर ऐसा हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर वीर सभी को मिशन के बारे में ब्रीफ करते हुए बताते हैं कि हम सभी को एक बहुत ही सीक्रेट मिशन पर भेजा गया है। असल में हमें एक रेडियो ट्रांसमिशन रिसीव हुआ है इवेंट होराइजन नाम के शिप से। बाकी का सारा क्रू कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये शिप तो 7 साल पहले प्रॉक्सिमा सेंचुरी की यात्रा पर नष्ट हो गया था। डॉक्टर वीर कहते हैं वो सब झूठ था, कि शिप असल में गवर्नमेंट का एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट था। ये शिप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, जिसे ग्रेविटी ड्राइव कहते हैं, स्पेस और टाइम के बीच में एक गेटवे ओपन करता है और बहुत जल्दी लाइट ईयर्स की दूरी को, जिसे तय करने में 1 साल लगता है, उसे एक ही दिन में पूरा कर सकता है। जस्टिन इनसे पूछते हैं कि आप इस शिप के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं, तो डॉक्टर वीर कहते हैं, मैंने ही इस शिप को बनाया है। डॉक्टर वीर बताते हैं कि जब इस शिप को प्रॉक्सिमा सेंचुरी के सफर पर भेजा गया था, जो कि करीबन 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, लेकिन जैसे इस शिप ने प्रॉक्सिमा सेंचुरी के गेटवे को ओपन किया, ये शिप गायब हो गया और इस शिप की 7 साल तक कोई खबर नहीं थी। लेकिन अचानक ये शिप नेपट्यून के ऑर्बिट में दोबारा से आ गया है और इसी से हमें वो रेडियो मैसेज रिसीव हुआ है। मिलर कहते हैं, तो 7 सालों से शिप था कहाँ? डॉक्टर वी कहते हैं, उसी चीज़ का पता करने के लिए हम सभी को यहाँ भेजा गया है। इसके बाद डॉक्टर वीर इन्हें वो रेडियो मैसेज सुनाते हैं। रेडियो मैसेज में बहुत सारे लोगों की चीख पुकार और एक आदमी की किसी प्राचीन भाषा में बोलने की आवाज़ आती है, जिसको कोई समझ नहीं पाता। तभी अचानक डीजे बोलते हैं, ये तो लैटिन भाषा है, जिसमें ये आदमी कह रहा है, बचाओ मुझे। तभी अचानक इनके शिप का सायरन बजने लगता है। ये लोग इवेंट होराइजन शिप के पास पहुंच चुके थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा शिप था, जिसके सामने इनका शिप एक चींटी के बराबर लग रहा था। पायलट स्मिथ शिप को इवेंट होराइजन से अटैच कर देते हैं। स्टार्क इवेंट होराइजन को स्कैन करके मिलर को बताते हैं कि शिप कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, शिप पर ग्रेविटी नहीं है और शिप की थर्मल यूनिट्स ऑफ पड़ी हैं, जिसके कारण शिप में बहुत ज़्यादा ठंड होगी। ऐसी ठंड में शिप का क्रू बाहर जिंदा नहीं हो सकता, बशर्ते कि वो सभी क्रायोपॉड्स में हो। मिलर लाइफ स्कैन करने के लिए कहते हैं। स्टार्क कहते हैं, पता नहीं क्यों पर स्कैन पूरे शिप को एज अ लाइफ फॉर्म दिखा रहा है, लेकिन इन लाइफ फॉर्म्स की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही है। मिलर पीटर्स और जस्टिन के साथ पूरे शिप को मैन्युअली ही चेक करने का फैसला करते हैं। ये तीनों शिप के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने के कारण सब कुछ जम चुका होता है। बाकी की टीम रेस्क्यू शिप से वीडियो और रेडियो फीड के जरिए इन्हें देख और बात कर रही होती है। डॉक्टर वीर इन लोगों को बताते हैं कि आप लोग इस शिप के सेंट्रल हिस्से में हैं, जो शिप के फ्रंट को इसके इंजीनियर सेक्शन से जोड़ता है। मिलर जस्टिन को इंजीनियर सेक्शन चेक करने के लिए कहते हैं और पीटर्स के साथ फ्रंट एरिया को चेक करने का फैसला करते हैं। तभी पीटर्स इन्हें फ्लोर्स पर मौजूद एक्सप्लोजिव्स के बारे में बताती है। डॉक्टर वीर कहते हैं कि ये एमरजेंसी के लिए हैं। एक्सप्लोजिव्स की मदद से शिप के फ्रंट सेक्शन को बाकी के शिप से अलग करके शिप का क्रू लाइफ बोट की तरह उसे यूज़ कर सकता है। कुछ देर बाद मिलर मेडिकल एरिया को स्कैन कर रहे होते हैं, जहां उन्हें कोई लाइफ रीडिंग्स नहीं मिलती। जस्टिन एक अजीब से रास्ते से होते हुए इंजीनियर सेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं और पीटर्स शिप के कॉकपिट में पहुँच जाती हैं। डॉक्टर वीर पीटर्स को लॉग सेक्शन से डेटा कलेक्ट करने के लिए कहते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि शिप के क्रू मेंबर्स को हुआ क्या। पीटर्स लॉक सेक्शन के ड्राइव से सीडी निकालने लगते हैं, तभी एक जमी हुई लाश उससे टकराती है। पीटर्स एकदम डर जाती है।
ये लाश बुरी तरह से जमी हुई थी, जिसकी आंखें नहीं थी और पूरा शरीर बुरी तरह से घावों से भरा हुआ था। क्रू मेंबर्स समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा इस लाश के साथ हुआ कैसे। उधर जस्टिन इंजीनियर सेक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक बहुत बड़ी गेंद के आकार की चीज दिखती है, जिसके चारों तरफ तीन रिंग्स घूम रही होती हैं। डॉक्टर वीर सभी को बताते हैं कि ये ग्रेविटी ड्राइव है। तभी अचानक ये रिंग्स एक साथ अलाइन होकर रुक जाती हैं और जस्टिन का कनेक्शन बाकी के क्रू मेंबर से टूट जाता है। रिंग के अंदर की गोल चीज एकदम तेज चमकती है और अगले ही पल ये गेंद के एक काले पानी जैसी चीज में बदल जाती है। जस्टिन इस अजीब सी चीज को छूते हैं और अचानक कोई चीज उन्हें अंदर खींच लेती है। उनके साथ साथ उनकी सेफ्टी वायर भी बहुत तेजी से अंदर खींचती चली जाती है। जस्टिन को खतरे में देखकर कूपर रेस्क्यू शिप से उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर एक बहुत तेज शॉक वेव इस स्ट्रक्चर के अंदर से निकलती है, जिसके कारण रेस्क्यू शिप बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और शिप के बचे हुए क्रू मेंबर्स को इवेंट होराइजन में आना पड़ता है। उधर कूपर इंजीनियर रूम में पहुंचकर सेफ्टी वायर को खींचकर जस्टिन को बाहर निकाल लेते हैं, जो होश में नहीं होते। पीटर्स इस शिप के थर्मल और ग्रेविटी सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देती हैं। सारा क्रू अब इवेंट होराइजन में होता है। मिलर स्टार्क से इस शिप का स्टेटस पूछते हैं। वो बताते हैं कि हमारे लिए इस शिप में सांस लेने के लिए सिर्फ 20 घंटे का ही ऑक्सीजन है। उधर बाहर स्मिथ मिलर को बताते हैं कि शॉक वेव के कारण उनके रेस्क्यू शिप लुईस एंड क्लार्क को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मेडिकल एरिया में जस्टिन कोमा में चले गए होते हैं। डीजे जस्टिन की कंडीशन को देखकर पीटर्स को कहते हैं कि हो सकता है शायद ये कभी भी होश में ना आए। शिप के कॉकपिट में कूपर मिलर को बताते हैं कि अजीब से काले लिक्विड के अंदर से उन्होंने जस्टिन को खींच कर निकाला था, जो बाद में वापस एक सॉलिड गेंद के रूप में बदल गया। वीर इस चीज को मानने से साफ मना कर देते हैं कि ग्रेविटी ड्राइव अपने आप से चल ही नहीं सकती, जिसके कारण कूपर और वीर में बहस भी हो जाती है। मिलर वीर से पूछते हैं कि आखिर उस ग्रेविटी ड्राइव में है क्या। वीर स्टार्क और मिलर को इंजीनियरिंग रूम में बताते हैं कि ये तीनों मैग्नेटिक रिंग्स जब एक जगह पर मिलती हैं तो ये एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल बनाती हैं। स्टार्क कहते हैं, आप जानते हैं ना ये चीज कितनी खतरनाक है। वीर कहते हैं, हाँ, लेकिन अगर हम इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाए तो जिस दूरी को आपके शिप को 1000 साल लगेंगे, ये शिप उस दूरी को एक दिन में पूरा कर सकता है। मिलर स्टार्क को इस जगह को बाकी क्रू मेंबर्स के लिए सील करने के लिए कहते हैं। वीर कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं मिलर, ये चीज बिल्कुल सुरक्षित है। मिलर वीर को कहते हैं कि मेरा एक क्रू मेंबर कोमा में है और मेरा रेस्क्यू शिप बुरी तरह से डैमेज्ड है, इसलिए मैं इस चीज के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। उधर पीटर्स मेडिकल एरिया में शिप के कॉकपिट से मिली लॉग्स की सीडी को चेक कर रही होती हैं कि तभी उन्हें अचानक सांस लेने की आवाज आती है। पहले उन्हें लगता है कि शायद जस्टिन होश में आ गए, लेकिन वो अभी भी कोमा में होते हैं। उन्हें वो आवाज फिर आती है। वो थोड़ा डर जाती हैं और एक चाकू लेकर कमरे को चेक करने लगती हैं। ये आवाज़ एक दूसरे बेड से आ रही होती है, जो एक कपड़े से ढका हुआ होता है। वो जैसे ही कपड़ा हटाती हैं, वो चौंक पड़ती हैं। उस बेड पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ होता है, जो उनका ही बेटा होता है, जिसके पैर जगह जगह पर सड़ गए होते हैं। पीटर्स ये सब देख कर रोने लगती हैं कि तभी वहाँ डीजे आ जाते हैं, जो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो डीजे को ये सब बताने लगते हैं, लेकिन अचानक बेड पर कोई होता ही नहीं। कुछ देर बाद पीटर्स बाकी के क्रू मेंबर्स को इस शिप के लॉग्स के डेटा में से एक आखिरी वीडियो दिखाती हैं, जिसमें शिप का कैप्टन ग्रेविटी ड्राइव को एंगेज करके प्रॉक्सिमा सेंचुरी जाने की बात कहता है। और इस वीडियो के आखिर का कुछ हिस्से में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन वीडियो क्वालिटी बहुत खराब होने के कारण ये लोग कुछ समझ नहीं पाते। मिलर पीटर्स को इस आखिरी हिस्से को ठीक करने के लिए कहते हैं। तभी अचानक शिप की पावर चली जाती है। वीर कहते हैं, शायद ग्रेविटी ड्राइव में कुछ दिक्कत है। मिलर और वीर इंजीनियरिंग रूम में पहुंचकर दिक्कत को चेक करने लगते हैं। उधर अचानक जस्टिन भी होश में आ जाते हैं, जो डीजे को बताते हैं कि अंधेरा आ रहा है, और ये कहकर उन्हें बुरी तरह से दौरे पड़ने लगते हैं। इंजीनियरिंग रूम के मशीन के अंदर एक सर्किट बोर्ड के शॉर्ट होने के कारण ये दिक्कत आई होती है, जिसे वीर ठीक करने लगते हैं कि तभी उनके आसपास लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और अचानक उन्हें अपनी वाइफ दोबारा दिखती हैं, जिनकी आंखें ही नहीं होती, जो अचानक दोबारा से गायब भी हो जाती हैं। बाहर मिलर को भी ग्रेविटी ड्राइव के चारों तरफ मौजूद पानी के अंदर से एक चलता हुआ आदमी बाहर निकलते हुए दिखता है। कुछ देर बाद शिप के कॉकपिट में ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं और मिलर सभी को इंजीनियरिंग रूम की घटना बताते हैं। डीजे कहते हैं, सर ये सिर्फ आपका हेलुसिनेशन है। मिलर डीजे को कहते हैं कि नहीं, वो हेलुसिनेशन नहीं था, मुझे साफ साफ उस आग की हीट फील हुई थी, ये सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर नहीं हो रहा था। वो फिर वीर से पूछते हैं कि डॉग, आपने भी कोई ना कोई आवाज़ या कुछ देखा जरूर होगा। वीर चुप रहते हैं। तभी पीटर्स कहती है, मिलर आप सही कह रहे हैं, मुझे भी अपना बेटा मेडिकल एरिया में दिखा था, जिसकी टांगों की बहुत बुरी हालत थी। वीर पीटर्स को कहते हैं कि हो सकता है आप शॉक में होंगे, लेकिन पीटर्स गुस्से में उन्हें कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है,
मैं बिल्कुल होश में थी जब मैंने ये सब कुछ देखा। मिलर स्मिथ से भी पूछते हैं, लेकिन वो ऐसे हेलुसिनेशंस के बारे में मना करते हुए कहते हैं कि आप लोग मानो या न मानो, ये शिप श्रापित है। इस बात से वीर और स्मिथ के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी अचानक डीजे एक सर्जिकल नाइफ निकालकर स्मिथ के गले पर रख देते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी सभी डीजे की इस हरकत से चौंक पड़ते हैं। मिलर डीजे को नाइफ को स्मिथ के गले से हटाने के लिए कहते हैं। तभी डीजे को भी होश आता है और सर्जिकल नाइफ उनके हाथ से नीचे गिर जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मिलर स्मिथ को शांत करते हैं और उसे कूपर के साथ लुइस और क्लार्क शिप को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद स्टार्क मिलर को बताते हैं कि मैंने डीएनए स्कैनिंग की, लेकिन पता नहीं क्यों जो बायो रीडिंग्स मुझे मिल रही हैं वो इंसानों की नहीं किसी और ही चीज़ की हैं। मिलर गुस्से में कहते हैं कि स्टार्क मेरे पास इस बकवास के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। लेकिन स्टार्क कहते हैं, कैप्टन आप माने या ना माने, मुझे लगता है कि यह शिप जिंदा है और हम सबको जो भी हेलुसिनेशंस दिख रहे हैं वो इस शिप के कारण हो रहा है। कुछ देर बाद पीटर्स मेडिकल एरिया में जस्टिन को चेक करने के लिए आते हैं। वो वहाँ पर नहीं होते। तभी उन्हें बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी के शिप की दीवारों पर हाथ मारने की आवाज़ें आने लगती हैं। ये आवाज़ें बढ़ती ही जाती हैं और अचानक पूरे मेडिकल एरिया की लाइट्स टूट जाती हैं। पीटर्स डर के मारे चीखती हुई वहाँ से भागकर कॉकपिट एरिया में पहुँचती है और डीजे और स्टॉक को इस आवाज़ के बारे में बता रही होती है कि तभी अचानक वही चीज़ कॉकपिट के दीवारों पर भी होने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज़ दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगी। और तभी अचानक वीर को पता नहीं क्या हो जाता है और वो कॉकपिट एरिया का दरवाज़ा खोलने लगते हैं। स्टॉक एकदम से वीर का हाथ मोड़कर उसे रोक देती हैं। उसी वक्त अचानक कॉकपिट एरिया में शिप के एग्जिट डोर्स के खुलने का अलार्म बजने लगता है। स्टॉक तुरंत रेडियो पर मिलर स्मिथ और डीजे से पूछते हैं कि क्या वो लोग शिप के बाहर जा रहे हैं। सब मना करते हैं कि तभी पीटर्स कहती है, ओ नहीं, कहीं जस्टिन तो नहीं। ये सभी शिप के एग्जिट डोर्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जस्टिन बिना सूट के शिप से बाहर जाने के लिए एयर लॉक में चले गए होते हैं। स्टॉक तुरंत मिलर को जस्टिन के बारे में खबर करती हैं जो बाहर कूपर के साथ दूसरे शिप की मरम्मत कर रहे होते हैं। ये बात सुनते ही वो तुरंत जस्टिन को बचाने के लिए एग्जिट डोर्स की तरफ निकल पड़ते हैं। स्टॉक एयरलॉक के दरवाजे को हैक करके खोलने की कोशिश में लग जाती हैं और पीटर्स जस्टिन को समझाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जस्टिन पीटर से कहता है कि वो अंधेरा मेरे भीतर है जो उस गेटवे की दूसरी तरफ से आया है। पीटर्स कहती है, जस्टिन तुम दरवाज़ा खोलो, हम फिर बात करते हैं। लेकिन जस्टिन कहता है, अगर तुमने वो सब कुछ देखा होता जो मैंने देखा है तो तुम मुझे कभी भी नहीं रोकती। और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। पीटर्स कहते हैं, हाँ जस्टिन दरवाज़ा खोल दो। लेकिन जस्टिन शिप के अंदर का दरवाज़ा खोलने के बजाय शिप के एग्जिट डोर्स को खोलने का बटन दबा देते हैं। पीटर्स चीख पड़ती है, जोर जोर से सायरन बजने लगता है और दरवाज़ा खुलने के लिए 30 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है। तभी जस्टिन को भी होश आ जाता है और वो बाकी के क्रू मेंबर्स को शिप के अंदर का दरवाज़ा खोलने के लिए चीखते हुए मदद मांगने लगते हैं। उधर कॉकपिट के अंदर वीर अकेले बैठे होते हैं जो जस्टिन की चीखों को सुन रहे होते हैं, जिन्हें पता नहीं कैसे वह घूमता हुआ ग्रेविटी ड्राइव बड़े अजीब ढंग से दिख रहा होता है। उधर मिलर बाहर की तरफ से शिप के एग्जिट डोर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। शिप का एग्जिट डोर्स खुलने में अब सिर्फ 5 सेकंड रह जाते हैं और जस्टिन के आंखों और मुंह से बुरी तरह से खून निकलने लगता है। मिलर जस्टिन को कहते हैं कि अपने अंदर से जितना हो सके हवा को बाहर की ओर निकालो जस्टिन। तभी दरवाज़ा खुलता है और जस्टिन का शरीर शिप से बाहर निकल जाता है। उसी वक्त मिलर वहाँ पहुँच कर जस्टिन को वापस शिप के अंदर ले आते हैं, जहाँ पूरी टीम पहले से ही फर्स्ट एड किट के साथ तैयार होती है। जस्टिन पूरी तरह से खून में लथपथ हो चुके होते हैं। कुछ देर बाद डीजे जस्टिन को क्रायो स्लीप में डाल देते हैं और बाकी टीम्स को बताते हैं कि जस्टिन का बचना बहुत मुश्किल है और अगर वो बच भी गया तो उसके आगे की ज़िंदगी आसान नहीं होगी। इसके बाद मिलर पीटर्स को कहते हैं कि लॉक फाइल्स के वीडियो के उस आखिरी हिस्से को जल्दी से ठीक करो ताकि हम लोग जान सकें कि इस शिप के क्रू मेंबर्स को आखिर में हुआ क्या था। स्टॉक मिलर को बताती है कि जस्टिन कह रहा था कि उसके अंदर अंधेरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है। मिलर वीर से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं खुद इन सब चीज़ों को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ समय बाद मिलर इस शिप को चेक कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो उनसे कहती है कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। मिलर कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ये सिर्फ मेरा भ्रम है और कुछ नहीं। तभी जैसे ही वो अपनी आँखें बंद करते हैं उन्हें किसी का चेहरा खून में लथपथ दिखता है। वो अपनी आँखें खोलते हैं और कहते हैं, हे भगवान हमारी मदद करो। ये बात मिलर डीजे को अकेले में बताते हैं कि एक मिशन के दौरान शिप में आग लगने के कारण मैंने अपने एक क्रू मेंबर एडी को खोया था जो आखिर तक मुझसे मदद मांग रहा था, लेकिन बाकी लोगों को बचाने के लिए मुझे उसे जलते हुए शिप में छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं होने दूंगा।
डीजे कहते हैं, मैं आपके साथ बहुत समय से काम कर रहा हूँ लेकिन ये बात आपने मुझे कभी नहीं बताई थी। मिलर कहते हैं, यही तो, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी लेकिन ये शिप इस चीज़ के बारे में जानता है। पता नहीं कैसे ये शिप तुम्हारे सीक्रेट्स, तुम्हारे भीतर के डर को जानता है और उसी के जरिए ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है। डीजे कहते हैं, मुझे भी आपको एक बात बतानी थी। जो रेडियो मैसेज हमें मिला था, मुझे लगा था वो आदमी कह रहा था बचाओ मुझे, लेकिन जब मैंने इस मैसेज को अच्छे से सुना तो वो आदमी कह रहा था खुद को बचाओ। अब मैंने इस मैसेज को पूरा डिकोड कर लिया है और वो आदमी कह रहा था खुद को बचाओ इस नर्क से। डीजे कहता है कि ये शिप ट्रैवल गेटवेज ओपन करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने नर्क का द्वार खोल दिया हो। तभी कूपर रेडियो पर मिलर को बताते हैं कि उनका रेस्क्यू शिप लुईस एंड क्लार्क ठीक हो चुका है और हम यहाँ से निकल सकते हैं। उधर पीटर्स वीडियो के आखिरी हिस्से को ठीक कर देती है जिससे सारा क्रू देखकर डर जाता है। वीडियो के अंदर पुराने क्रू मेंबर्स पागल हो गए होते हैं जो एक दूसरे को नोच रहे होते हैं और शिप का कैप्टन अपनी आंखें हाथ में लेकर कह रहा होता है खुद को बचाओ इस नर्क से। और यही रेडियो मैसेज अभी की टीम को रिसीव हुआ था। मिलर तुरंत स्टार्क का जरूरी डेटा निकालने, पीटर्स और स्मिथ को अपने शिप के लिए CO2 कैप्सूल्स लेने और डीजे को जस्टिन को दूसरे शिप में मूव करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन वीर शिप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। मिलर कहते हैं, हम सभी को यह शिप छोड़ना है अभी और अगर आप ऐसे नहीं माने तो मुझे आपके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन वीर कहते हैं, मेरी मानो, तुम अपनी मर्जी से इस शिप को नहीं छोड़ सकते। और तभी अचानक इवेंट होराइजन शिप की लाइट्स चली जाती हैं। स्टार्क मिलर को रेडियो पर बताती हैं कि ग्रेविटी ड्राइव पूरी शिप की पावर को खींच रहा है। मिलर सभी को ऑर्डर देते हैं कि जल्द से जल्द शिप खाली करो। अंधेरे में वीर भी कहीं गायब हो जाते हैं। उधर पीटर्स और स्मिथ इंजीनियरिंग रूम से CO2 कैप्सूल्स इकट्ठा कर लेते हैं। स्मिथ सबसे पहले इस रूम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही पीटर्स इस रूम से बाहर निकलने लगते हैं अचानक ग्रेविटी ड्राइव जैसे पीटर्स को आवाज़ देती है। वो पीछे देखते हैं और उन्हें अपना बेटा इस रूम में भागता हुआ दिखता है। पीटर्स अपने बेटे के पीछे दौड़ पड़ती हैं। उनका बेटा सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर चले जाता है। पीटर्स भी ऐसा ही करती हैं और ऊपर पहुंच जाती हैं, लेकिन उन्हें अपना बेटा नहीं मिलता। कुछ देर बाद वो थक कर रुक जाती हैं कि तभी अचानक उन्हें अपना बेटा सामने थोड़ी दूरी पर खड़ा दिखता है। पीटर्स मुस्कुराते हुए जैसे ही अपने बेटे के पास आगे बढ़ती हैं, वो सीधा नीचे जा गिरती हैं और अपनी आखिरी सांस लेते हुए वो अपने बेटे को हंसते हुए ऊपर खड़ा देखती हैं। इसके कुछ समय बाद वीर इंजीनियरिंग रूम में पहुंचते हैं जहां वो पीटर्स को मरा हुआ पाकर बहुत दुखी होते हैं। तभी अचानक वीर की पत्नी क्लेयर उन्हें उनके नाम से पुकारती हैं। वो जैसे ही मुड़ते हैं वो खुद को अपने घर के बाथरूम के अंदर पाते हैं जहां वो क्लेयर से माफ़ी मांगते हैं उनके काम में बिजी होने के लिए। लेकिन क्लेयर बाथरूम में जाकर अपने हाथों की नसों को काट देती हैं। ये सब देखकर वीर बुरी तरह से रोते हुए कहते हैं, मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ। तभी क्लेयर फिर से उनके पास आ जाती है और उन्हें कहती है, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम अब मेरे साथ हो, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। क्लेयर अपनी आंखें खोलती हैं, उनकी आंखें ही नहीं होती और वो वीर की आंखों को भी निकालने लगती हैं। असल में ये सब ये शिप कर रहा होता है और वीर खुद ही अपनी आंखें अपने हाथों से निकाल रहे होते हैं। उधर स्मिथ CO2 कैप्सूल्स लेकर लुईस एंड क्लार्क पर पहुंच जाते हैं और कूपर को रेडियो पर जल्द से जल्द अंदर आने के लिए कहते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है। वो वीर को इस शिप से बाहर निकलकर वापस इवेंट होराइजन पर जाते हुए देखते हैं। वो फटाफट मिलर को इसके बारे में बताते हैं। मिलर स्मिथ को बताते हैं कि इस बड़े शिप के कॉरिडोर एरिया से एक एक्सप्लोजिव गायब है। वो स्मिथ को तुरंत छोटे शिप से भाग निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और वीर द्वारा लगाए हुए एक्सप्लोजिव को बुरी तरह से ढूंढने लगते हैं। स्मिथ को एक्सप्लोजिव मिल जाता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एक्सप्लोजिव फट जाता है। लुईस एंड क्लार्क शिप की धज्जियाँ उड़ जाती हैं जिसमें स्मिथ मर जाता है और कूपर भी इस धमाके की चपेट में आ जाता है। मिलर अपने शिप और क्रू मेंबर्स को मरता देख बहुत दुखी होते हैं, पर किस्मत से कूपर अभी भी जिंदा होते हैं जो स्पेस में शिप के एक टुकड़े के साथ उड़ते जा रहे होते हैं। वो अपने एयर टैंक के प्रेशर का यूज करके इवेंट होराइजन शिप की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर शिप पर मिलर डीजे को रेडियो पर सारी घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वीर ने यह सब किया है, तुम सावधान रहो और अगर वीर तुम्हें दिखे तो उसे पकड़ लेना। डीजे कहते हैं, इस वीर को तो मैं बताता हूँ, और एक चाकू लेकर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वीर उनके पीछे खड़े होते हैं जो उनका गला पकड़ लेते हैं। वीर की दोनों आंखें नहीं होती। वो डीजे को बुरी तरह इधर से उधर फेंकने लगते हैं जिसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं। मिलर को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो मेडिकल एरिया की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मेडिकल एरिया में डीजे बेहोश पड़े होते हैं। वीर एक चाकू से डीजे का सीना पूरा काट देते हैं जिससे दर्द के कारण डीजे को होश आ जाता है। थोड़ी देर बाद मिलर मेडिकल एरिया में पहुंच जाते हैं। वीर ने डीजे के शरीर को सीने से पूरा खोल दिया होता है और लटका दिया होता है और शरीर के अंदर के सारे अंगों को निकालकर बेड पर रख दिया होता है।
इससे मिलर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और एक गन लेकर वीर को ढूंढने लगते हैं। वीर को ढूंढते हुए मिलर शिप के कॉकपिट एरिया में पहुंचते हैं, जहां वो स्टार्क को बेहोशी की हालत में पाते हैं। वो उसे होश में ले आते हैं और वहां से ले जाने लगते हैं कि वीर भी उन्हें वहीं पर एक कुर्सी पर गन के साथ बैठा मिलता है। वीर ने अब अपने आंखों के छेद को सीकर बंद कर दिया होता है। मिलर कहते हैं, तुमने अपने आंखों को क्या कर दिया वीर? वीर कहते हैं, जहां हम जा रहे हैं वहां आंखों की जरूरत ही नहीं। कमाल की बात है, मैंने ये शिप सितारों की यात्रा के लिए बनाया था, लेकिन इसने तो एक नया ही रास्ता खोल दिया, नर्क का रास्ता, जहां मैं अब तुम दोनों को ले जाऊंगा। और वो ग्रेविटी ड्राइव को एक्टिवेट कर देते हैं कि तभी स्टार्क उन पर हमला कर देते हैं, जिसे वीर उठाकर फेंक देते हैं और मिलर को भागता देख वो उस पर अपनी गन तान देते हैं। मिलर कहते हैं, अगर तुमने गोली चलाई तो शिप में छेद हो जाएगा, जिससे पूरा शिप नष्ट हो सकता है। तभी कूपर उड़ता हुआ कॉकपिट एरिया के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वीर उस पर गोली चला देते हैं, जिसके कारण कॉकपिट एरिया के फ्रंट पे मौजूद कांच टूट जाता है और शिप के कॉकपिट एरिया से सारी चीजें बुरी तरह से बाहर खींचने लगती हैं, जिसमें वीर स्पेस में बाहर उड़ जाता है और मिलर और स्टार्क बड़ी मुश्किल से बचते हैं। तभी इन्हें शिप के एग्जिट डोर से किसी के आने का पता चलता है। इन्हें लगता है जरूर वीर शिप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होगा। ये उसे रोकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कूपर होता है। मिलर कहते हैं, वीर ने ग्रेविटी ड्राइव एक्टिवेट कर दिया है और अगर हमने इसे नहीं रोका तो हम तीनों नर्क में होंगे। वो बाकी क्रू मेंबर को कहते हैं कि हम शिप के कॉरिडोर को धमाके से उड़ा देंगे और शिप के फ्रंट में मौजूद लाइफ बोट में बैठकर निकल जाएंगे। वो कूपर को रेस्क्यू बीकन को ऑन करने और स्टार्क को क्रायोपॉड्स को तैयार करने के लिए कहते हैं और खुद शिप के कॉरिडोर एरिया में मौजूद एक्सप्लोजिव्स को मैनुअली एक्टिवेट करने के लिए चले जाते हैं। मिलर सारे एक्सप्लोजिव्स को एक्टिवेट कर देते हैं और डेटोनेटर लेकर वापस लाइफ बोट की तरफ जाने लगते हैं कि तभी अचानक उनका पुराना क्रू मेंबर एडी वहां पहुंच जाता है, जो बुरी तरह से जल रहा होता है। वो आग की एक लहर मिलर की तरफ छोड़ देता है, जिसके कारण उन्हें लाइफ बोट के दूसरी तरफ इंजीनियरिंग रूम की तरफ भागना पड़ता है। अब नर्क के द्वार को खुलने में सिर्फ 2 मिनट रह गए होते हैं। एडी वहां पर भी पहुंच जाता है और मिलर को मार कर गिरा देता है और कहता है कि तुमने मुझे वहां मरता हुआ क्यों छोड़ दिया। मिलर कहते हैं, मैं जानता हूं तुम असली नहीं हो। तभी एडी की शक्ल वीर में बदल जाती है। मिलर वीर को देखकर चौंक जाते हैं। वीर कहते हैं, देखा, इस शिप ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। मैंने कहा था ना, इस शिप की मर्जी के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से इस शिप को खत्म कर दोगे? ऐसा नहीं हो सकता। वीर कहते हैं, तुम सबके अब जाने का वक्त हो गया है। मिलर कहते हैं, मैं तुम्हें हम सबको नर्क लेकर जाने नहीं दूंगा। वीर कहते हैं, तुम जानते ही क्या हो नर्क के बारे में, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। और वीर मिलर के सर को पकड़कर उन्हें उनके क्रू मेंबर्स को नर्क में तड़पता हुआ दिखाते हैं। तभी मिलर एक CO2 कैप्सूल से वीर को पीटने लगते हैं, लेकिन वीर को कोई असर नहीं होता और वो मिलर को बुरी तरह पीटकर एक तरफ फेंक देते हैं। गिरते ही मिलर को एक्सप्लोजिव्स का डेटोनेटर दिखता है। मिलर उसकी ओर पड़ने लगते हैं। अब ग्रेविटी ड्राइव भी पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है और नर्क का द्वार खुलने लगता है। मिलर तुरंत डेटोनेटर का बटन दबा देते हैं। वीर ये देखकर चीख पड़ता है। शिप का कॉरिडोर एक धमाके के साथ उड़ने लगता है, जिससे लाइफ बोट शिप से अलग हो जाता है। स्टार्क और कूपर शिप के ग्रेविटी ड्राइव वाले एरिया को गेटवे के जरिए नर्क में जाता हुआ देखते हैं। 72 दिन बाद रेस्क्यू बीकन के जरिए इवेंट होराइजन के इस लाइफ बोट वाले हिस्से को यूसेक की रेस्क्यू टीम ढूंढ लेती है। रेस्क्यू टीम जब अंदर घुसती है, वहां उन्हें क्रायोपॉड्स के अंदर स्टार्क, जस्टिन और कूपर सही सलामत हालत में मिलते हैं। रेस्क्यू टीम का एक मेंबर स्टार्क को क्रायोपॉड से बाहर निकालता है। स्टार्क चौंकते हुए उठती है और जस्टिन और कूपर के बारे में पूछने लगती है। रेस्क्यू टीम का वो आदमी कहता है, वो दोनों भी ठीक हैं और हमारे साथ हैं। और जैसे ये आदमी अपने हेलमेट का शीशा ऊपर करता है, ये आदमी वीर होता है। स्टार्क उसे देखकर बुरी तरह चीख पड़ती है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है। स्टार्क चीखते हुए इस सपने से बाहर आती है। कूपर उन्हें संभाल लेते हैं और बताते हैं कि यूसेक रेस्क्यू टीम ने हमें बचा लिया है।